बर्तन धोने जा रही थी। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बर्तन धो देती हूँ, अल्लाह नहीं धो पाऊंगी। मेरे हाथों में पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर ने मना किया डालने के लिए साबुन में, और ये कह रहे हैं तुम्हारे हाथों को और नुकसान करेगा, तुम बर्तन बर्तन मत धोया करो। तभी तो कामवाली लगवाई है, वरना हमारी सास का लगवाने दे रही है। A few moments later. मैं क्या सोच रही हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। झाड़ू पोछा भी नहीं कर पाऊंगी, कमर में बहुत दर्द होगा, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा तुम लगा लेना। अच्छा ले ही दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कमर में दर्द है तो वो काम भी मैं ही कर लूंगी। क्या आप झाड़ू देंगी और फिर मैं पोछा लगाऊंगी, तो मैं दोनों काम साथ में कर लूंगी। हाँ ये भी सही हैगा, ठीक है। Meanwhile, लेकिन डोली तुम सब काम कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बैठ के खाने में। तो आप ऐसा करिए, आप डस्टिंग कर लिए सूखे कपड़े से और किचन विचन फोड़ दिए। ओहो नहा ली मैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो भी तुम ही कर लो, तुम अभी नहाई भी नहीं होगी ना। ठीक है वो भी मैं कर लूंगी। Much, much, much later. बबली जो भाई के कपड़े पड़े होंगे बिस्तर पे लिया, मशीन लगाऊंगी कपड़े धुल जाएंगे। तुम कपड़े धोने बैठ रही थी, कपड़े तो मेरे भी बहुत हैं, ढेर लगे हैं बच्चों के भी, तुम धो दोगी? मेरी सरफ की दिक्कत है ना, तुम्हें तो पता ही है। तो आप दे दिए, बच्चों के भी दे दिए जो धुलने हैं, मैं मशीन में डाल दूंगी। ठीक, ऐसा तुम धो तो फिला मैं दूंगी, ठीक है? 6.5 hours later. बच्चे कपड़े धुल गए थे, आपने क्या था आप फिला देंगी? हाँ मैं, बच्चे हैं कुछ खाने को मांग लिया हैगा, मैं सोचूं कुछ बना दूं हल्का फुल्का, तुम फिला लो कपड़े वरना एक दूसरे का रंग लग जाता हैगा, ज्यादा देर पड़े रहते हैं तो काम तो करना ही है, करा के खत्म करो। ठीक है मैं फिलाई दे रही हूँ। 5 minutes later. क्या हुआ? आयो फरहाला बाजी की नंदे आई हुई थी ना कई दिनों से, वो सारा काम उन्हीं पे डाला हुआ था। वो कोई काम कहती थी वो गुत्ते समझा देती थी, बहाने बना देती थी। अब आज जो है पता नहीं क्या हुआ, फराला बाजी ने सारी नंदों का सामान सड़क पे फेंक दिया। आज कौन? अब हंसी भी आ रही है लेकिन भाई सीरियस बात भी है। और वो बिचारियां सड़क पे से अपना सामान उठा रही थी, बेगों में भर रही थी, और जो बैटरी वाला मिला उसकी उसमें चार्जिंग नहीं थी। रिक्शा में वो मैं मैं जा रहा था, पूरा मोहल्ला देख रहा था। वो कह रही है तेज चलाओ, नंदे कह रहे हैं तेज चलाओ, कह रही है मेरे में चार्जिंग नहीं, मैं तो मना कर रही हूँ, मत बैठो तुम ही हो। आनंद फानंद ने बैग उठा के बेचारियाँ देखेंगी। किसी को इतना भी वो आजिज नहीं करना चाहिए आदमी को कि उसको ये नौबत आ जाए, वही तो इतनी बेइज्जती हुई बेचारियों की सबकी। मैं भी कहा बातों में लग गई, अभी पूरा किचन फैला पड़ा है, दोपहर के खाने के बर्तन अलग पड़े हैंगे सिंह में, वो सब मैं समेट दूं और किचन विचन साफ कर लूं। तुम बैठो, तुम थोड़ा आराम कर लो, साबुन की तो तुम्हें पता है मुझे दिक्कत हैगी, तो बबली धो देगी बर्तन और मैं सब सफाई कर दूंगी समेटा समाटी तुम्हारे किचन की। अरे आप बैठिए मैं कर लूंगी सब। अरे नहीं कोई परेशानी नहीं है, इतने दिन से मैं बैठी हूँ ना तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है, ऐसे घर में हाथ पैर चलते रहते हैंगे और तुम कोई हमें काम ही नहीं करने देती होगी। ठीक है, और तुम शाम के खाने की भी फिक्र मत करना, वो मैं पका लूंगी शाम में। अच्छा ठीक, मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ, कई दिनों से काम वाम में लगी हूँ ना तो कमर में दर्द हो रहा है, और आप लोग हैं तो मैं सोच रही हूँ ड्रिप भी चढ़वा लूँ, ऐसे में चली आती हूँ तो मम्मी को परेशानी होती है ना। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, और क्या? अब आए ना लाइन पे, डॉक्टर से पूछ के फिर देखती हूँ, कमजोरी बहुत है कि रमजानों की, फिर आप लोग आ गए ईद से तो उसकी, ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग आ गए मतलब टाइम नहीं मिल पाया मुझे ड्रिप चढ़वाने का। नहीं नहीं मैं पता, हमें नहीं कह रही हूँ तुम, मैं टाइम नहीं मिल पाया था उसको कह रही हूँ। हाँ तुम दिखा लो डॉक्टर को, दिखा लो साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी दीदी दीदी।